आमिर खान साहब के बारे में करीना कपूर, जो कि फिल्म में लीडिंग लेडी है, लाल सिंह चड्ढा, उन्होंने आखिरकार क्या कहा, आइए इस वीडियो में आपको बताता हूँ। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि अब लाल सिंह चड्ढा को रिलीज होने के कुछ दिन बचे हैं, और ऐसे में लाल सिंह चड्ढा की कास्ट जगह जगह जाके इंटरव्यूज दे रही है, जगह जगह जाके बातचीत कर रही है। और ऐसी ही एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने दोस्तों एक बड़ी बात बोल डाली है। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि करीना कपूर ने एक बड़ी बात बोली है कि लाल सिंह चड्ढा जो है, यानी कि आमिर खान, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था। जैसा कि हम सबको पता है कि करीना कपूर की बहन सिस्टर लोलो यानी कि करिश्मा ने अंदाज अपना अपना में करीना जो है आमिर खान के साथ काम किया था। वो कहती हैं कि आमिर खान को मैं तब भी जानती थी, तब भी पहली बार जाना था, और अभी लाल सिंह चड्ढा तक मैंने उनके साथ उनको देखा है, उन्हें एज एन एक्टर ग्रो होते हुए देखा है। उनकी फिल्मों में कुछ ना कुछ नयापन होता है और वो हर किरदार में एक अलग तरीके की भाषा, बोली, हर चीज़ को ढाल देते हैं। आप लाल सिंह के किरदार को जो है आमिर जो करते हैं वो उसको आप तलाश में नहीं रख सकते या फिर थ्री इडियट्स में नहीं रख सकते। वो इतने ज़्यादा वर्सेटाइल हैं, वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर होकर आते हैं कि उनको पता रहता है कि क्या सीन देना है, किस तरीके से देना है, और होमवर्क वो प्रॉपर कर कर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों करीना कहती हैं कि मैं तो, अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो एक स्पॉन्टेनियस एक्टर हूँ, मतलब कि ऑन सेट कुछ होता है तो मैं तुरंत उसको ग्रैब करके कर लेती हूँ। लेकिन आमिर जो है वो घर से प्रॉपर प्रिपरेशन, अपना होमवर्क सिस्टमेटिक वे में कर कर आते हैं। Isn't it amazing यार दोस्तों, करीना कपूर ने इतनी सारी बातें बोल डाली हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें भी बोली हैं दोस्तों जो कि बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।